आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 35। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड में 3D मॉडल्स कैसे लगाते हैं, यानी कि 3D जो शेप होते हैं, इमेज होते हैं, वो आप कैसे लगा सकते हैं, और इसमें हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट कैसे आप बना के लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेंगे, उसके लिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वर्ड अगर पिन है तो यहाँ से ओपन कर लेंगे, या ऑल एप्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां से भी वर्ड ओपन कर लेंगे, या यहाँ पे सर्च कर लेंगे वर्ड, और उसके बाद वर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पे लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे सबसे पहले सीखते हैं 3D मॉडल्स कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे एलिस्ट्रेशन ब्लॉक, यहाँ पे मिलता है आपको 3D मॉडल्स, तो यहाँ पे ही आपको 3D शेप मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे या इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ऊपर, तो इस तरह से 3D मॉडल्स ऑनलाइन के लिए यहाँ पे खुल जाएगा ऑप्शन। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे ये जो एरो देख रहे हैं डाउन एरो, इस पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन मिलता है आपको, इंसर्ट 3D मॉडल्स फ्रॉम, यानी कि 3D मॉडल्स आप अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं, दिस डिवाइस, यानी कि इसी कंप्यूटर में है, इसी डिवाइस में है, तो वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपने डाउनलोड करके किसी फोल्डर में या कहीं पे रखा होगा। उसके बाद है 3D, यहाँ पे स्टॉक 3D मॉडल्स, ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो office.com साइट है, वहां से 3D मॉडल्स ऑनलाइन लेने के लिए ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये ऑप्शन तभी आपके सिस्टम में काम करेगा अगर एमएस ऑफिस आपने एक्टिवेट करके यूज किया है, यानी कि यूज कर रहे हैं या एक्टिवेट है, या फिर परचेस करके लाइसेंस उसका आपके पास है तभी। अगर एक्टिवेट नहीं है, पायरेटेड है, या कोई और तरीके से आप ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये ऑप्शन काम नहीं करता है कभी कभी। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टॉक 3D मॉडल्स, या सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दिस डिवाइस से। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि कहाँ पे आपने 3D मॉडल्स, यानी कि 3D पिक्चर जो है, वो शेप या पिक्चर आपने कहाँ रखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर में रखा है, तो मैं पिक्चर में चले जाऊंगा, फिर फोल्डर के अंदर चले जाऊंगा, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी होगा वहां से क्लिक करके और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं सिस्टम से तो अभी ले नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसे क्लोज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टॉक 3D मॉडल्स पे। तो यहाँ पे ये जो है office.com से जो है ये 3D मॉडल्स यहाँ पे ले के ये देगा हमें। तो ये ऑनलाइन खुल गया है, अगर नेट कनेक्टेड है आपके सिस्टम में तभी जाके ये यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी आ गया बहुत सारे, तो बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी के आपको 3D मॉडल शेप जो भी चाहिए वो यहाँ पे चुन सकते हैं, या यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैपटॉप, मैं देखता हूँ कि लैपटॉप से रिलेटेड कोई मॉडल्स है क्या। तो यहाँ पे देखेंगे ये लैपटॉप से रिलेटेड है, मैंने इस पे क्लिक किया, तो इसे भी लगा सकते हैं। इसके साथ और भी दो तीन इमेज अगर एक साथ लगाना चाहते हैं तो उस पे चेक लगा सकते हैं, जैसे मैं इस पे भी चेक लगा दे रहा हूँ और इस पे भी लगा दे रहा हूँ, ये तीन पे मैंने चेक लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा इंसर्ट पे क्लिक, तो ये जो है डाउनलोड होके और यहाँ पे फाइल में इंसर्ट हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ये इमेज को उठा के आपको जो इधर रख लेना है, यहाँ पे इस तरह से देख रहे, ये इमेज मैंने रख लिया। अब इमेज के बीच में देखेंगे तो एक सर्कल सा है और उस पर कुछ एरो का निशान है, इसका मतलब ये है कि इसको आप जो है इस तरह से 3D मॉडल्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं, घुमा के रख सकते हैं, क्योंकि ये 3D मॉडल्स है, तो बिल्कुल जैसे असल में चीजें होती है उस तरह से शेप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पे अपने जरूरत के अनुसार आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे 3D मॉडल्स इस तरह से लगा लिए। 3D मॉडल्स लगाने के बाद अगर आप किसी भी मॉडल्स पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद उसके चारों साइड देखेंगे एक लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये 3D मॉडल्स अभी सिलेक्टेड है। तो जो भी 3D मॉडल सेलेक्ट है उस पर कोई भी तरह का डिजाइन या इफेक्ट आप डाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टैब खुल जाता है 3D मॉडल्स के नाम पे। अब यहाँ पे जाएंगे 3D मॉडल्स व्यू में, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं एरो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट होगा वो सभी इफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो जिस तरह का इफेक्ट आप इसको देना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसको जो है पिक्चर की तरह पोजीशन भी कर सकते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं सेम पिक्चर की तरह इसको जो है पोजीशन आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर ये रख दिया मैंने, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नीचे वाला जो है इसके ऊपर रहे, तो नीचे वाले पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3D मॉडल्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड, अगर पीछे करना है तो बैकवर्ड, अगर ऊपर करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पे जाके ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग फ्रंट कर देंगे।
ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ पे करेंगे ब्रिंग फ्रंट। देखिए ये ऊपर आ गया इसके ऊपर। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि 3D मॉडल्स कैसे लगाते हैं। अब सीखते हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो इसको यहाँ पे कंट्रोल ए से मैं पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ अभी। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एलिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर ही मिलता है स्मार्ट आर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, आपने मैथ और बहुत सारे बुक्स में देखा होगा कि वहां पे दिया रहता है कि एक एप्पल है, उसके बाद प्लस लगा के फिर दूसरा एप्पल है, तो इक्वल करके दिया रहता है कि टोटल कितने एप्पल हो गए वो यहाँ पे लिखिए। तो वहां पे आप टाइप कर देते हैं या डाल देते हैं कि 2 एप्पल हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से स्मार्ट आर्ट जो है बनता है। तो यहाँ पे इसी तरह से आप जो है देख सकते हैं जिस तरह का स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिया, या ये ले सकते हैं यहाँ पे, और मैंने किया यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद देखेंगे तो अभी जो है ये यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो जो भी चीज सेलेक्टेड होता है एमएस वर्ड में, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए हमें जो अलग से कॉन्टेक्चुअल टैब मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 कॉन्टेक्चुअल टैब जो ओपन हो गए अपने आप, एक स्मार्ट आर्ट डिजाइन और एक फॉर्मेट। तो अभी ये ओपन है, ये ओपन है, तो यहाँ पे आप जो है कलर वगैरह डिजाइनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये कलर मैंने चुना। उसके बाद लेआउट, लेआउट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई दूसरा लेआउट चाहिए तो लेआउट बदल लेंगे यहाँ से। और भी इसी तरह का इफेक्ट वगैरह यहाँ पे मिलता है, ये इफेक्ट है, इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं सेलेक्ट करके। जैसे ये ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लिया बॉक्स को, या आपने इस बॉक्स को सेलेक्ट करके इसका आपने कहा कि ब्लू नहीं करना है मुझे, इसमें ऑरेंज कलर देना है, तो ऑरेंज कलर फिल हो गया। यहाँ से भी फिल कर सकते हैं आप। उसके बाद ये शेप आउटलाइन है, शेप का आउटलाइन कैसा रहेगा, यानी कि ये जो बॉक्स है सेलेक्टेड ऑरेंज वाला, इस बॉक्स का आउटलाइन कैसा रखना चाहते हैं। उसके बाद शेप इफेक्ट, यहाँ से ये इफेक्ट है सभी, ये इफेक्ट हम आगे के वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से काम आता है। उसके बाद ये यहाँ पे टेक्स है, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स फिल है, यानी कि टेक्स में किस तरह का कलर फिल होगा। जैसे यहाँ पे सभी में व्हाइट है, अगर आप ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है टेक्स आउटलाइन, टेक्स का आउटलाइन कैसा रहे, यानी कि टेक्स के चारों साइड जो है हल्का सा कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे ब्लैक हो गया या फिर ग्रीन, किसी भी टाइप का। उसके बाद ये टेक्स इफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं पहले स्मार्ट आर्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं पिक्चर पे, और पिक्चर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ऑनलाइन कोई पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ इस पे, क्योंकि पिक्चर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे एप्पल डाल के देखता हूँ। तो देखिए ये एप्पल आ गया, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एप्पल और इंसर्ट कर दिया मैंने, ये एप्पल इंसर्ट हो गया। उसके बाद मैंने एप्पल के बारे में डाल दिया। मैंने डाल दिया दिस एप्पल इज फ्रेश, इस तरह से यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे इमेज का आइकन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे दे देगा। जरूरी नहीं है कि सभी स्मार्ट आर्ट में ये इमेज इंसर्ट हो, जिसमें आइकन होगा उसमें इंसर्ट हो जाएगा, जिसमें आइकन ना हो तो उसमें जो है आपको खुद ही मैनुअली इंसर्ट करके लगाना होगा। वो आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे, और जहाँ से भी पिक्चर लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं। ये तीनों के बारे में तो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया वीडियो में। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर लगा देते हैं। यहाँ पे मैं मैंगो ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया यहाँ से, ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, ठीक है, जो भी टाइप करना। उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं फिर कोई पिक्चर, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, पूरे को सेलेक्ट करके अगर कहीं मूव करना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट को इस तरह से, तो मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए अभी यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाके क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तभी जाके ये जो है कहीं भी मूव होगा, क्योंकि ये एक तरह से पिक्चर की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए जो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ता है। और यहाँ से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं खींच के, इस तरह से जितना आपको जिस तरह से करना है उस तरह से इसका साइज घटाया बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं इस स्मार्ट आर्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं कोई और स्मार्ट आर्ट आपको लगा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए फिर से चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे चलेंगे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऑल है, उसके बाद लिस्ट है,
प्रोसेस है, साइकिल है, बहुत सारे टाइप है यहाँ पे। तो जो भी टाइप की स्मार्ट आर्ट आप बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइकिल पे क्लिक करूंगा और एक ये वाला स्मार्ट आर्ट है, इसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद इसका कलर जो है वो मैं इस तरह से यहाँ पे दे देता हूँ। अगर इसे यहाँ पे रीसेट करना है तो रीसेट ग्राफिक भी कर सकते हैं यहाँ से। यानी कि मान लीजिए आपने कुछ फॉर्मेटिंग किया, आप चाहते हैं कि जैसे पहले फॉर्मेट था शुरू में वैसा हो जाए, तो रीसेट कर देंगे यहाँ से। इस तरह से यहाँ पे जो है आप एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम और भी सीखेंगे। आज के फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।